से इंडिया टीवी में चुनाव 360 डिग्री शुरू हो रहा है। हर एक चुनावी खबर का पूरा विश्लेषण, वो भी सिर्फ 60 सेकंड में। अरविंद केजरीवाल को आज ईडी का आठवां समन आया। आठवीं बार केजरीवाल पेश नहीं हुए, अभी स्कोर 8-0 का है। आगे क्या होगा इसका एहसास केजरीवाल को है क्या? इसीलिए वो बोल रहे हैं आओ 100 रुपए ले जाओ। केजरीवाल ने बजट में सौगातों की छड़ी लगा दी। दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपए देने का ऐलान किया। इस बार के बजट को केजरीवाल ने राम राज्य का बजट बताया। राम राज नभ गेस सुनो सच राचर जग माही, काल करम स्वभाव गुण कृत दुख काहू ही नाही। अर्थात श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत के काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते। अरविंद केजरीवाल एकदम राम भक्त के रूप में थे। आज का जो बजट था वो राम राज्य की अवधारणा से प्रेरित था। हम अच्छे अस्पताल दे रहे हैं, अच्छे स्कूल बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं। इस बदलाव की वजह ईडी का कैलेंडर है। ईडी जैसे केजरीवाल को तारीख बताती है, वो तारीख दिल्ली सरकार की स्पेशल तारीख बन रही है। तारीख पर तारीख का खेल अभी केजरीवाल खेल रहे हैं। केजरीवाल को पता है कि ईडी आएगी तो क्या होगा, जैसा हेमंत सोरेन के साथ हुआ था। इसीलिए केजरीवाल के पास जितने ऑफर हैं वो दिल्ली में जल्दी जल्दी बांट रहे हैं। भाई मोहन यादव आजकल मध्य प्रदेश से ज्यादा उत्तर प्रदेश में क्यों घूम रहे हैं? लखनऊ, मथुरा, अयोध्या क्यों जा रहे हैं? अखिलेश यादव को योगी आदित्यनाथ से ज्यादा मोहन यादव से क्यों डर लग रहा? बीजेपी और बीजेपी के जो थिंक टैंक बड़ा होशियार है, वो प्यारे मोहन है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये सब ओल्ड ट्रिक्स है। अखिलेश यादव अभी तक राम मंदिर नहीं गए और मोहन यादव ने अपनी कैबिनेट के साथ रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। पिछले 24 घंटे में मोहन यादव यूपी में एक्टिव हैं, सीधे यादव वोटर से बात कर रहे हैं। जय यादव, जय माधव। मोहन यादव उज्जैन दक्षिण की जिस सीट से आते हैं वहां यादव वोटर 1000 नहीं, लेकिन बीजेपी ने जिस दिन मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया उस दिन इसकी चर्चा सबसे ज्यादा यूपी और बिहार में हुई। यूपी में यादवों की आबादी 9 से 10% है। 9 लोकसभा सीट पर यादव डोमिनेट करता है। अगर यादव साथ आया तो बीजेपी यूपी की इतनी सीटें आराम से जीत जाएगी। अब आप कहेंगे कि यादव अखिलेश को छोड़कर मोहन की बात क्यों सुनेंगे? ये भी मोहन यादव ने ही समझा दिया। अखिलेश परिवारवादी यादव हैं और मोहन बीजेपी के यादव जो कार्यकर्ता से एमपी के सीएम बने हैं। लालू के बाद अब अखिलेश यादव ने मोदी पर परिवार वाला अटैक किया। सोशल मीडिया में मोदी का परिवार ट्रेंड कर रहा है, जिस पर अखिलेश ने कमेंट किया, लगता है मेले में बिछड़ा परिवार मिल गया। 2019 में मार्च के महीने में मैं भी चौकीदार ट्रेंड शुरू हुआ। 24 में मोदी का परिवार ट्रेंड कर रहा है। दोनों मौकों में राहुल गांधी कॉमन है। उस वक्त राहुल ने मौका दिया था और इस बार राहुल की मौजूदगी थी। इस बार पहले से ज्यादा खतरनाक प्रयोग किया गया है। इस बार हिंदू वोटर्स और मोदी की इमेज पर पर्सनल अटैक किया गया है। लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। कल ये कह देंगे कि तुम कभी जेल में, तुझे सजा नहीं हुई इसलिए तुम राजनीति में नहीं आ सकती। मोदी पर परिवार वाला कमेंट किया, राम भक्तों की आस्था का मजाक बनाया। लालू की लाइंस में हिंदुओं पर अटैक है, मोदी पर अटैक है, अब मोदी के साथ हिंदू परिवार बन गए हैं। सोशल मीडिया में लोग खुद मोदी परिवार बनकर जुड़ने लगे हैं। बिहार की पूरी पॉलिटिक्स हिंदू और मोदी की माँ और फैमिली पर आकर टिक गई है। जवाब बिहार की 40 सीटों से दिया जाएगा। ये बीजेपी की पिच है जिस पर बीजेपी खेलेगी। 24 का चुनाव अब पर्सनल हो गया है। प्रधानमंत्री ने अपने लोकसभा चुनाव का प्रचार शुरू कर दिया है। इसके लिए उन्होंने तेलंगाना को ही क्यों चुना, उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं चुना, मोदी मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान क्यों नहीं गए? दक्षिण में लोकसभा की 130 सीटें हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में बीजेपी का स्कोर 0 है। 2019 में कर्नाटक में ही बीजेपी 25 सीट जीत पाई थी। तेलंगाना इकलौता ऐसा राज्य है जहां बीजेपी को डबल डिजिट की उम्मीद है। 2019 में बीजेपी को तेलंगाना में 4 सीटें मिली थी, 23.53% वोट के साथ दूसरी बड़ी पार्टी बनी थी। वहीं 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी को 8 सीटें मिली है। कर्नाटक के बाद तेलंगाना दक्षिण का डबल डिजिट वाला दूसरा राज्य बन सकता है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी यहां पूरा जोर लगाए हुए हैं। तेलंगाना के भी लोग पूरे जोश से कह रहे हैं अब की बार नालगो बंद लो ताली। प्रधानमंत्री मोदी आज तेलंगाना के आदिलाबाद में थे। 19 में आदिलाबाद बीजेपी ने जीती थी। यहां 56,000 करोड़ रुपए की परियोजना की सौगात दी, 30 से ज्यादा विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास किए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेड्डी का मोदी को बड़ा भाई कहना ये मैसेज देता है कि तेलंगाना का मूड कितना बदल गया है।
24 में बीजेपी ने 100% स्ट्राइक रेट वाले राज्यों में 5 लाख के मार्जिन से चुनाव जीतने का टारगेट रखा है। 2019 में बीजेपी ने दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में क्लीन स्वीप किया। दो बार से 25-25 सीट आ रही हैं, अब की बार 25 सीट आएंगे, लेकिन वो आएंगे हर बूथ से। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और कम से कम 5 लाख से ऊपर से हमारा हर एक सांसद जीत करके जाएगा। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीट, हर सीट पर टारगेट 5 लाख के मार्जिन का, मतलब राजस्थान से करीब 1,25,00,000 वोटों से जीत। मोदी के मिशन 400 के लिए वोट परसेंटेज को बढ़ाना है। राजस्थान में 5 लाख वोट से जीत पॉसिबल है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 3 सीटें भिलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ 5 लाख प्लस के अंतर से जीती थी। 6 सीटों पर बीजेपी के जीत का अंतर 4 लाख प्लस था, 7 सीट पर 3 लाख प्लस था। राजस्थान में बीजेपी को 59.07% वोट मिले, कांग्रेस को 34.24% वोट मिला। बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ेगा तो जीत का मार्जिन भी बढ़ेगा। अब आप सोचेंगे कि आखिर ये 5 लाख वाला फॉर्मूला कहां से आया? ये फॉर्मूला आया है गुजरात से, जहां गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल और मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने भी जीत की 5 लाख लिमिट तय की है। महाराष्ट्र की राजनीति का एपिसेंटर बारामती बन गया है। बारामती के लिए शरद पवार क्या नया एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं? महाराष्ट्र की सीटों के बंटवारे पर पेच अब कहां फंसने वाला है? महाराष्ट्र की राजनीति के ये 4 अहम कैरेक्टर हैं। इनको सीट शेयरिंग पर फैसला करना है। खबर है एनडीए अलायंस में 42 सीटों पर डील करीब करीब फाइनल है। शिवसेना को 17, कांग्रेस को 15 और एनसीपी को 10 सीटें मिलेंगी। बाकी बची 6 सीटों पर फैसला 6 मार्च को मुंबई की बैठक में किया जाएगा। वंचित बहुजन आघाड़ी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, हम चाहते हैं कि चारों मिलकर एक मजबूत आघाड़ी बने महाराष्ट्र में। लेकिन शरद पवार 5वें कैरेक्टर की एंट्री करवाने में लगे हुए हैं। वो 5वां किरदार महादेव जानकर है। अगर महादेव जानकर अलायंस का हिस्सा बनते हैं तो उन्हें माढ़ा सीट मिल सकती है। अब समझिए शरद पवार की रणनीति क्या है। शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले के लिए बारामती सीट को सेव करना चाहते हैं। 2014 में महादेव जानकर एनडीए के साथ बारामती चुनाव लड़े थे। सुप्रिया सुले को 5,21,000 और महादेव को 4,51,000 वोट मिले थे। बारामती में महादेव के लगभग 3% कोर वोटर्स हैं। इस बार अजीत पवार से टक्कर है और शरद पवार कोई रिस्क नहीं लेना चाहते।